खिलाड़ी अंबेडकर नगर के संस्थापक बुद्धवासी शंकर राव जी गजभिये के छोटे बेटे और अंबेडकर नगर के महान सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष शंकर राव गजभिये उम्र 59 वर्ष, इनकी शनिवार 25 मार्च को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह TNT इंफ्रा कंपनी में ओरिएंटल एसोसिएट की ओर से सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे, जो मारुति सेवा के बगल में नागपुर अमरावती हाईवे पर फ्लाईओवर पर काम कर रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार के लोहे के बैरियर को नीचे खींचते समय लोहा सिर के बल गिर गया और उसकी गर्दन और मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं। इसके चलते उन्हें सदर के विम्स अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी सर्जरी की गई, लेकिन इलाज का कोई असर न होने पर उनकी हो गई। 25 तारीख को सुबह 10 बजे के बीच उनका निधन हो गया। उन्हें अभी तक किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला है। उपस्थित लोगों की मांग है कि मृतक सुभाष गजभिये के परिवार को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा निजी TNT कंपनी के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इस समय बंटीशेल के राजेश जंगले, अश्विन बैस, संतोष नरवाड़े, आशीष नंगावली, दिनेश पंसोर, समीर मेढ़े, सूरज वानखेड़े, गौतम तिरपुड़े, आशीष झा ने सुभाष गजभिये के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए विरोध तेज कर दिया था। दुर्घटना स्थल से काटोल बाईपास रोड तक अंबेडकर नगर की कई महिलाएं और युवक युवतियों ने विरोध दर्शाया। वाड़ी पुलिस धरना स्थल पर पहुंची और वाड़ी PI प्रदीप रायनवान ने आश्वासन दिया कि मामले की जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। एवढंच बोलू शकते, त्याच्या व्यतिरिक्त नाही बोलण्याची हिंमत नाही आहे माझी। माझे अचानक ध्यान झालं, माझ्या पतीचं मला खूपच दुःख झालं आहे। आमच्या 500 लोकांच्या परिवाराच्या मागे त्यांच्या एकट्याचा हात होता। आता ते आमच्या पूर्ण फॅमिलीला किंवा पूर्ण वाडीला खूप मोठा दुःखाचा संकट निर्माण करून गेले आहे। त्याच्यामध्ये जिम्मेदार ही कंपनी आहे। आम्ही जास्त काहीच बोलणार नाही, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यांच्या हक्काचं जे कण आहे कमी जास्त ते आम्हाला मिळालं पाहिजे। बस एवढंच बोलणं आहे, बाकी काही नाही। आज हम वाड़ी में हैं, जहाँ पे एक थोर सामाजिक कार्यकर्ता जो वाड़ी की स्थापना जिन्होंने की थी उनके वंशज यहाँ पे थे। साथ ही उनकी एक कंपनी के हादसे में, वो सिक्योरिटी का काम करते थे और उनकी एक कंपनी के हादसे में जहाँ पे वो काम करते थे काम में उनकी देहांत हो गया था। उनका वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी कोई अपघात के कारण से। तो जो दुर्घटना में उनकी जो मृत्यु हो गई थी तो उसी के कारण से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये से आज जो सामाजिक कार्यकर्ता जो नेता है, स्थानिक नेता जो है, जो नागपुर के नेता जो है, शहर के बंटी भाऊ शेड़के के नेतृत्व में आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। तो उसी साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अंबेडकर नगर के वाड़ी के पूरे यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी साथ में हम आइए जानेंगे यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी साथ से हम यहाँ पे जो कुछ महिलाएं हैं जो ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम आइए जानते हैं कि क्या कारण है। भाऊ बताइए कि क्या कारण से आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? सुभाष जी गजभिये हे अत्यंत प्रेमळ आणि चांगल्या स्वभावाचे होते आणि ते चळवळीमध्ये एक आमच्यासारख्या युवकाचे प्रेरणास्थान होते। ते आमचे आदरणीय आमचे वडीलधाऱ्याप्रमाणे होते आणि ते आपल्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांच्या रात्रीच्या TNT या ठिकाणी एक पार्ट टाइम म्हणून असा एक त्यांचं काम चालू होतं। परंतु ते जेव्हा कामावर असताना TNT ह्या कंपनीच्या अलगर्दीमुळे त्यांचा त्या ठिकाणी ॲक्सिडंट झाला। म्हणून ॲक्सिडंट ह्या आम्ही ॲक्सिडंट न समजून ह्या TNT आम्ही हत्येचा गुन्हा आम्ही त्यांच्यावर दाखल करण्याच्या प्रसंगी आम्ही ह्या ठिकाणी आलो आहो। परंतु आमच्या आंबेडकर नगरातल्या सगळ्या रहिवासांकडून एकच मागणी आहे का सुभाषजी गजभिये आणि त्यांच्या परिवाराला कंपनीतर्फे मानधन मिळावं, हेच आमची आणि आमच्या सगळ्या गावकऱ्यांची इच्छा आहे। म्हणून आमची इच्छा पूर्ण व्हावी, त्यांच्या परिवाराची इच्छा पूर्ण व्हावी म्हणून या ठिकाणी आम्ही नारे निदर्शन आम्ही TNT विरोधात घेत आहोत।
जोर से वो बहू सड़के के नेतृत्व में ये आंदोलन जारी है यहाँ पे, तो हम बंडी बहू से भी जानेंगे कि क्या इनकी मांग है, क्या जनता की मांग है, क्या बताएंगे बाप? नहीं बस इतना ही कहना है कि बोधिसत्व परम जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ये भूमि है, इस भूमि के ऊपर में अगर समझ लो जिस तरीके से संविधान को पैरों के तले तुड़वाने वाले लोगों ने आज जिस तरीके से हमारे काका जो है, काका हमारे यानी बस्ती की अम्बेडकर नगर की शांत है स्वर्गीय सुभाष गजबे काका, ये सुभाष गजबे काका जो है ये टीएनटी कंपनी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पर विकास कार्य यहाँ पर शुरू है। किसी भी विकास कार्य को हम लोग बाधा निर्माण करने के लिए यहाँ पर खड़े नहीं है, लेकिन हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से आज देश के अंदर में खासगीकरण प्राइवेटाइजेशन हर जगह जो होता है उसी का एक स्वरूप फलस्वरूप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर स्वर्गीय सुभाष गजबे काका यहाँ पर जो है ओरिएंटल नाम की सिक्योरिटी कंपनी है, सुरक्षा रक्षक कंपनी है, वहाँ पर काम करते वक्त टीएनटी कंपनी के अंतर्गत ओरिएंटल कंपनी में काम करते वक्त वहाँ पर उनके सर को रॉड लगता है, रॉड लगने के बाद में उनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद में उनके पास में हमने गुहार लगाई, बार बार गुहार लगाई ओरिएंटल कंपनी वालों को, बार बार गुहार लगाने के बाद में उन्होंने 2-3-4-5 दिन के बाद में उन्होंने वहाँ पर मेडिकल का वहाँ पर बिल उन्होंने दिया था, जबकि वो कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे, कार्य करते करते उनके सर के ऊपर में रॉड लगा था, उसके बाद में जब उनकी आज मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में उनको 1 रुपया भी मुआवजा न देने का काम अगर कोई कर रहा होगा तो ये निजी कंपनी जो है टीएनटी कंपनी और ये निजी जो कंपनी ओरिएंटल कंपनी ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से भी कि पुलिस प्रशासन आप लोग सोए हुए, आपने मुआवजे की मांग की है क्या? मुआवजे की मांग उनको की है पिछले 4 दिनों से हमारे समीर जी मेंडे और बाकी हमारे दिनेश बंसोड़ जी और सभी हमारे साथी, ये जो साथी है वाड़ी क्षेत्र के जो साथी है लोकल है यहाँ के, यहाँ पर खुद रहने वाले जो साथी है वो बार बार उनके पास में गुहार लगा रहे मुआवजे की। आज बताइए कि अगर लोकल लोगों की अगर समझ लो ये मुजोर कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्टर अगर नहीं सुन रहा होगा, ये कंपनी के अंदर में बाहर से भी आए हुए लोग, बिहार से होंगे, यूपी होंगे, मध्य प्रदेश होंगे, आंध्रा होंगे, तेलंगाना होंगे, वो लोग भी बेचारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ में ऊपर वाला भगवान ना करे अगर कोई हादसा अगर हो गया तो उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन है? अगर यहाँ पर लोकल आदमी की आवाज़ उठाने के बाद में 10-10 दिन लग जाते, 5-5 दिन लग जाते उनको मुआवजे की कोई मांग करने के बाद में कोई उत्तर देने के लिए यहाँ पर खाली नहीं है, तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सोया हुआ है क्या? इसलिए हम किसी भी प्रकार से मार धाड़ न करते हुए हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करके परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इनके मार्ग के ऊपर में चलकर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया हमारे स्वर्गीय सुभाष शंकर राव गजबे जी इनके परिवार को मुआवजा कब मिलेगा? और जब तक ये मुआवजा मिलेगा नहीं तब तक ये काम जो है हमने रोका नहीं है। वो जो वहाँ के मजदूर है वो मजदूरों का कहना है कि भैया हम भी लोग काम नहीं करेंगे। हम क्यों काम नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे साथी को मुआवजा नहीं दिया, हम लोगों को क्या ये लोग मुआवजा देंगे और हम लोगों को क्या ये लोग पेमेंट देंगे? इसलिए वो जो साथी है यहाँ पर जो मजदूर काम करने वाला मजदूर है, चाहे वो NHAI के अंतर्गत TNT कंपनी में काम करने वाला हो या ओरिएंटल कंपनी में सुरक्षा रक्षक बनके जो काम। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।